तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं पालमपुर की तरफ और वहाँ पे भी आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाएंगे। अभी हमने चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन किए हैं और आपको भी करवाए हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मंदिर, आपने भी दर्शन किए। तो हमारे साथ चलिए पालमपुर की ओर। बाकी थोड़ा रोड का पता लगा कि थोड़ा रोड ख़राब है, बाकी देखते हैं रास्ता कैसा है। अगर थोड़ा रास्ता ख़राब मिला तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि बारिश कल रात से ही हो रही है सुबह तक। बाकी देखते हैं आगे चल के। और मौसम तो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है और आप सामने देखिए नज़ारे कितने अच्छे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे चाय के बगान हैं सारे, टी गार्डन। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है और चाय की खुशबू हल्की हल्की आ रही है। सारे के सारे चाय बगान हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं सौरभ वन विहार में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है व्यू। बारिश हल्की हल्की पड़ने लग गई है और यहाँ पे पार्किंग में हमने लगा दिया और ये हमें एक नई दोस्त मिली है। ये कह रही है मैं भी साथ में घूमूंगी, जा ही नहीं रही है, ये जा ही नहीं रहा है, ये जा ही नहीं रही है, ये पहले सही बोला था मैंने। तो अभी आपको अंदर का भी दिखाते हैं, व्यू कर दिखाते हैं साथ में, चलिए हमारे साथ साथ। सौरभ वन विहार आए थे और ये देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और ये जो साइड वाला ब्रिज है जहाँ पैदल जाते हैं वो बंद किया हुआ है, इसलिए हम गाड़ी से आगे की ओर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पार्किंग का क्या सीन होता है। बाकी नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं न्यूगल कैफ़े, द न्यूगल कैफ़े जो कि हिमाचल गवर्नमेंट के थ्रू रन करता है हिमाचल गवर्नमेंट, और ये काफ़ी सुंदर है। अंदर का व्यू भी कहते हैं बहुत अच्छा है, तो अंदर चल के हम देखेंगे कि कैसा व्यू है यहाँ का। और प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, सामने ही पार्किंग है, अभी पार्क करके गाड़ी बस हम अंदर जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, क्लीन होगा काफ़ी। तो अंदर चल के भी हम आपको मेन्यू दिखाएँगे प्राइस वाइज भी, और यहाँ बाहर बैठ के भी आप खा सकते हैं, ओपन में भी है। और अनख जी हमारे नींद आ रही है, नींद नहीं आई है, जय श्री राम। हाँ जी सत श्री अकाल, सबको बोल दो फ्रेंड्स सत श्री अकाल। ये हिमाचल टूरिज्म के थ्रू प्रमोट करते हैं इस कैफे को काफ़ी। और ये पेड़ देखिए कितना सुंदर है, एक एक बीच में पत्ता वाइट है, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पेड़। पहली बार देखा है ऐसा पेड़, ऐसा लग रहा है कि अलग से पत्ते वाइट लगाए हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, पर सबसे सुंदर ये वाला लगा, ऑरेंज कलर के क्यूट से फ्लावर। तो फ्रेंड्स अभी हम न्यूगल कैफे के अंदर आ गए हैं और ये अच्छा बना हुआ है, काफ़ी पुराना साइड, लकड़ी का पूरा अंदर इंटीरियर है। तो फ्रेंड्स ये न्यूगल कैफे के पीछे का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ओपन में पीछे भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन में भी इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है, साथ में यहाँ पे आप चाय या फिर कुछ भी खाने पीने का एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कैफ़े है, प्राइस वाइज भी और टेस्ट वाइज भी मस्ट ट्राई। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ सेंट जॉन चर्च आए थे, लेकिन ये बंद लग रहा है मुझे, नो पार्किंग भी लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बंद है। सेंट जॉन चर्च इन द वाइल्डरनेस,
पालमपुर में, और यहाँ पे अंदर जाके चर्च है। कैसा है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। पहले तो लगा कि बंद होगा पर नहीं, खुला है। अंदर देखते हैं, और पेड़ देखिए कितने लंबे लंबे हैं, बाप रे। तो अंदर चल के आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे दफनाते भी हैं लोगों को, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पुराना चर्च है, देख सकते हैं सामने। और शांति है इस टाइम पे यहाँ पे। बाकी अंदर चल के देखते हैं। तो ये चर्च हम आए थे, लेकिन ताला लगा हुआ है, बंद है। और देखिए यहाँ से चर्च सुंदर बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, 1929 का बना हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा शहर दिख रहा है पालमपुर पीछे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पालमपुर की, और यहाँ पे चर्च है जहाँ हम आए थे, और ये कोर्ट है इनका, न्यायाधीश कोर्ट। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, बारिश अभी हो ही जा रही है यहाँ पे। तो चलते हैं, बाकी आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट कवर करते हैं। रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए रास्ते में, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा था, तो मन करा था चाय पीने का। और ये सामने चाय के बगान हैं, और इनके सामने ही एक शॉप है जहाँ पे हम रुके हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस एंड स्नैक्स, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, और चाय काफ़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी टेस्टी चाय थी। तो ये लोग अपनी, मतलब यहाँ की जो बनी हुई चाय है वो भी पिला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा छोटा सा चाय का, काफ़ी अच्छा लगा हमें, टपरी टाइप बहुत सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं आगे, अतिथि देवो भव, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, साफ सुथरा चाय आप पी सकते हैं यहाँ के रास्ते में। और यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया हुआ है। तो आगे इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं, शाम को शायद ये कुछ गाना वगैरह यहाँ पर होता हुआ, माइक और ये तबला और हारमोनियम भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और चाय कैसी लगी आपको यहाँ की? चाय आपको कैसी लगी? पापा चाय पी रहे हैं अभी, अच्छी चाय है। अनक अनक अपनी चाय पी रहा है। और ये हमने यहाँ से चटनी ली है, और हमारे मोमोज भी आ गए हैं। बाकी चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। महफिल लग गई? नहीं नहीं, हाँ दह बच्चे बच्चे जाते हैं, रात आ गए। अच्छा अच्छा, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।